अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, हम गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा। इससे पहले कि हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, यहाँ आपके टेस्ट योरसेल्फ में कुछ यूनिट कन्वर्जन्स हैं जो कि बिल्कुल जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड हैं। मैं चाहती हूँ पहले हम इसको सॉल्व करें और आप कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें। वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए बिकॉज इट्स योर टेस्ट, बट आई एम हेल्पिंग हेयर। यू कैन सी हेयर, टेस्ट योर सेल्फ नंबर 5.1 एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग। देयर इज द फर्स्ट, ये आपके जो हमने इससे पहले यूनिट्स पढ़े हैं वो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सेवेंटी सेंटीमीटर Hg को आपने कन्वर्ट करना है atm में। अब आपको पता है कि Hg भी प्रेशर का मेजर करने का यूनिट है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी atm जो है वो भी प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है। लेकिन इसमें से यहाँ पे मसला है कि आपको दिया गया है सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, हमने पढ़ा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन लिख लेते हैं, जो कि हमें पता है दीज थ्री डॉट से, एज वी नो दैट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये जो है हमारी ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने इस यूनिट में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह करेंगे कि सबसे पहले इसके सेंटीमीटर वाला इशू आप चेंज करें, कि सेंटीमीटर्स में तो हमें नहीं पता, तो लेकिन हमें ये तो पता है कि एज वी नो दैट 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। यानी यहाँ पे जब इन्होंने 70 cm कहा है, तो उसी में से आप मिलीमीटर की इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। किस तरह से, कि एक में 10 mm है तो 70 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके देख लें आप इसे 10 से, दैट इज इक्वल टू 700। ठीक है, 700 mm। अब 700 mm Hg को आपने कन्वर्ट करना है एटीएम में बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट से डिवाइड करेंगे, 700 डिवाइडेड बाय 760, वन में जो है 760 है, तो इसलिए आप 760 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करके देखें, इस आपके पास का आंसर आएगा 0.92 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 0.92 atm दैट इज इक्वल टू 70 cm ऑफ Hg। किस तरह से सॉल्व किया हमने इसे, हमने पहले इसका रिलेशन देखा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg एंड 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। सो अब वो कह रहे हैं कि 70 cm, तो उनके कहने का मतलब है कि 700 mm ऑफ Hg। सो हमने डिवाइड किया यूनिट से, सो हेयर वी गेट द आंसर, दैट इज 0.92 atm। अच्छा जी, इसका पार्ट बी देखें अब, विच इज 3.5 atm को आपने कन्वर्ट करना है टोर में। टोर को हमने पढ़ा था किसके साथ, mm of Hg के साथ, के 1 mm of Hg 1 torr के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है atm को आपने कन्वर्ट करना है टोर में, तो ये 3.5 atm को टोर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम atm और टोर का रिलेशनशिप लिख लेते हैं। तो atm और टोर का क्या रिलेशनशिप है, कि 1 atm इज इक्वल टू 760 torr। ठीक है, 760 mm एच जी थे और 760 ही टोर थे, उसी बिल्कुल इसी तरह। अब एम एम एच जी का जिक्र नहीं हो रहा इसलिए हमने नहीं लिखा, सो 1 atm इज इक्वल टू 760 torr। तो जब 1 760 के इक्वल हैं तो 3.5 किसके इक्वल होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। सो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 760, यूज द कैलकुलेटर हेयर एंड यू विल गेट द आंसर 2660 torr। ठीक है जी, सो सिंपल। नाउ द पार्ट नंबर सी, विच सेज 1.5 atm
टू पास्कल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने चेंज करना है किसमें, पास्कल में। सो इजी, अगर आपको रिलेशन याद है जो कि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल्स, ठीक है। 101325 पास्कल 1 ATM में है तो 1.5 में कितने होंगे, दिस इज ऑल्सो सिंपली अ मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 101325, यूज द कैलकुलेटर टू गेट द आंसर। सो इट सेज 151987.5 पास्कल्स, ठीक है। आंसर के साथ यूनिट जरूर लिखें। सो हियर वी गेट द आंसर। सो सिंपल एंड सो ईजी, और बिल्कुल इसी तरह से होंगे आपके ये क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं इससे रिलेटेड। यहाँ न्यूमेरिकल के सेक्शंस में न्यूमेरिकल नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स 850 mmHg टू 8 ATM, बिल्कुल इसी तरह जो हमने अभी किए, 205000 पास्कल टू 8 ATM एंड टोर टू सेंटीमीटर एचजी। तो टोर टू सेंटीमीटर एचजी में आप करेंगे कि पहले आप उसको मिलीमीटर एचजी में करेंगे कन्वर्ट, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो आपका सेंटीमीटर एचजी में आ जाएगा, ठीक है। और ATM टू पास्कल ये जो अभी हमने किया है बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, डू इट योर सेल्फ, ट्राई टू योर सेल्फ, यू कैन डू इट, ओके। सो सिंपल, जो अभी हमने किए हैं मैं उसको फिर से रिव्यू करवा देती हूँ। हमने कन्वर्ट करना था प्रेशर के यूनिट्स को। सबसे पहले हमारे पास था 70 सेंटीमीटर एचजी, जिसको हमने ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर एचजी या mmHg और ATM का आपस में जो रिलेशन है वो लिख लिया कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी, और फिर हमने देखा कि उन्होंने हमें मिलीमीटर ऑफ एचजी, सॉरी, तो उन्होंने हमें दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में। एज वी नो दैट 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, तो ये 700 mm ऑफ एचजी असल में उन्होंने हमसे पूछा है कन्वर्ट करने के लिए ATM में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने यूनिट से डिवाइड किया, दैट इज 760, एक में 760 थे तो इसलिए हमने उसे डिवाइड किया 760 से, तो हमारे पास आ गया 0.92, विच इज़ नाउ इन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद इसी का बी पार्ट था 3.5 ATM टू टोर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टोर का आपस में क्या रिलेशन है पहले हमने वो लिखा। एज वी नो दैट 1 atmospheric प्रेशर इज इक्वल टू 760 टोर, सो वी कैन से 3.5 ATMs मल्टीप्लाई बाय द 760, वी गेट द आंसर 2660 टोर। एंड पार्ट नंबर सी, 1.5 ATM टू पास्कल, पहले हमने इसका रिलेशन लिखा। As we know that 1 ATM is equal to 101325 pascals, so 1.5 में उतने ही multiples होंगे, तो आपने multiply करके just answer ले लिया, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आपके exercise में है, ये आपने इसको खुद करना है। So simple, ये तीनों और numerical number 1 from your exercise आपने आज copy पे solve करना है, okay? I hope आप ज़रूर करेंगे और ये easily हो जाएगा आपसे। So do it yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.